कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, ओके। क्या काम है बेटा? माता आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी हुई है। बहू बेटी को अरे हाँ, इसकी तो मैंने अभी थोड़े दिन वाले ही गोद भरी थी, जोड़ी भरी थी। आपके आशीर्वाद से माता, इतनी जल्दी सुन ली है तेरी? अरे सी पटोला सी बहू ले आया। मम्मी तू तो चिरकुंडे की, इतनी जल्दी कैसे सुन ले? अभी तो इतने में तो फसल भी हरी नहीं होती। तो महारानी ने वही देखो, शायद इसकी वीडियो भी डली हो अभी। तो इसकी झोली भरी थी और शादी हो गई है, पटोला सी बहू आ गई है। पटोला सा ये खुद था, जोड़ी राधा रानी की, राधा श्याम की, महारानी की, माँ काली, माँ गोरा और मानी बाब भोलेनाथ जैसी जोड़ी। महारानी इनकी जोड़ी क्यों किसी की बुरी नजर ना लगने दे और प्यार बना ही रखे। और इस बच्ची, मैं कब बोलने वाली थी, भूल गई। हाँ, इधर कर देती हूँ, इसके सास ससुर की तरफ। तो ये है इसके। हाँ बेटा, और कोई भी काम बना है? हाँ, काम माता जी, ये काम तो हो गया इनका, अब इनको बाहर भेजना है। अच्छा, विदेश वाला? हाँ जी, पहले तो मैं फिर धूम धड़ाके वाली कढ़ाई तो ले लो। कढ़ाई कराया हो माता? हाँ, धूम धड़ाके वाली कढ़ाई लाए हैं बाबू, ये मेरे को पता नहीं। तो ये महारानी ने जैसे इस बच्चे का क्या कहते हैं शादी करवाई है, और चट मंगनी पट ब्याह पटाक से पड़ी, जैसे ऊपर से आ पड़ी है ना बाबू। तो वही कह रही हूँ, मेरे को 10 दिन के अंदर पटाक से शादी होगी है। और जैसे इसकी इनकी घर बसाया है महारानी ने, वैसे सब बच्चे उनका घर बसाए, अंधन का भंडार बारी रखे। अब बस विदेश भेजना है। आज इसकी झोली और विदेश की भेज देती हूँ, फिर इन चिरकुंडो को विदेश पहुंचा देते हैं। महारानी ऐसी डंका बजवाती रहे, ऐसे काम करवाती रहे। और देखो इसके स्माइल, अभी 1.5 महीने पहले तो इसकी स्माइल क्या थी, अब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सास ससुर बन गए हैं, टोपी नहीं पहन के आया, ये माला भी लाया। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय।